प्राइस भी कम होता है, तो आप एनएफओ में पैसा लगाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट उसके अंदर एक्युमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, ज्यादा यूनिट मिलेंगे तो आपका आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त रोज तरुण गोला और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, एक होता है एनएफओ, एक होता है आईपीओ। आईपीओ सबको पता है, अगर आप आईपीओ के अंदर निवेश करते हैं तो आपको मतलब जिसको जो भी निवेश करता है उसको आईपीओ गेन का जो बेनिफिट होता है वो मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी ने इसके अंदर निवेश करा और 500 रुपए का एक यूनिट उसको पड़ा था जब उसको अलॉटमेंट हुई, और जो आईपीओ है उसका जो शेयर है वो लिस्ट हुआ 700 रुपए पे, तो 200 रुपए पर यूनिट उस भाई को आईपीओ गेन देखने को मिलता है। तो उसी चीज से जोड़कर मेरे बहुत सारे भाई लोग, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे भाई उसके अंदर एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं एनएफओ के अंदर भी निवेश करने के बाद उनको इसके अंदर भी इसी तरीके का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, आईपीओ एक अलग चीज है, एनएफओ एक अलग चीज है। जहां आईपीओ एक कंपनी के शेयर से लिस्ट होने से जुड़ा होता है, वहीं पर एक एनएफओ एक म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा जो स्कीम होती है उसके अंदर जुड़ा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एनएफओ के अंदर निवेश करते हैं तो क्या आपको उसके अंदर बेनिफिट है, नहीं है, किस सूरत में आपको एनएफओ के अंदर निवेश करना चाहिए, किस सूरत में आपको एनएफओ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा जो चैनल है उसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एनएफओ की वीडियो देखना बहुत पसंद करता है। मेरे जो चैनल पे रिव्यूज आते हैं एनएफओ के, आईपीओ के और जो म्यूचुअल फंड हाउसेस की जो स्कीम्स है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाई मिड फंड, कोई से भी फंड्स है, मैं उनके जो रिव्यू लेके आता हूँ लोगों को बहुत पसंद आते हैं। वो लोग उससे नई नई जो स्कीम्स है उनका रिव्यू करने का आग्रह करते हैं। लेकिन देखिए समय की कमी की वजह से मैं सारे के सारे फंड्स को लेकर नहीं आ पाता हूँ। मैं सिर्फ उन फंड्स को पकड़ता हूँ जो कि लोगों ने मैक्सिमम उसके अंदर निवेश किया हुआ है ना, जिससे कि उनको हर महीने उसकी जानकारी मिलती रहे। साथ में जो एनएफओ की वीडियो है वो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी चलती है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और लोग उसके अंदर निवेश भी करते हैं। मेरे कहने से लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए मेरे वीडियो को देखकर एनएफओ में लगा देते हैं। खुद वो कमेंट करके बताते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, मेल करते हैं कि सर आपकी वीडियो देखकर हमने एनएफओ के अंदर इतना पैसा लगा दिया। तो देखिए मेरा ही फर्ज बनता है कि उनके पैसे को बढ़ाना मेरा फर्ज है। ऐसा नहीं है कि मेरे को देखते और उन्होंने ला दिया और उनका पैसा एक रुपया भी कम होता है। तो देखिए ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो देखिए अब बात करते हैं कि एनएफओ को किसके अंदर निवेश करना चाहिए, किस भाई को निवेश करना चाहिए, किसको निवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, एनएफओ के अंदर किसी भी तरीके का लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। मतलब जो आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन मिलता है वो इसके अंदर किसी भी तरीके का लिस्टिंग गेन नहीं मिलता। अगर कोई भाई एनएफओ के अंदर लिस्टिंग गेन को समझकर उसमें निवेश कर रहे हैं तो वो उसकी क्या कहते हैं आप समझ लीजिए, उसको इस चीज का नहीं पता है इसलिए वो उसमें निवेश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं लिस्टिंग गेन नहीं है एनएफओ के अंदर। आप ये सोच के मत निवेश कीजिएगा कि उसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है। मैक्सिमम जो भी एनएफओ आते हैं वो आते हैं 10 रुपए पर लॉन्च होते हैं मैक्सिमम। देखेंगे अब देखते हैं, देखिए आप नोटिस कीजिएगा मेरे चैनल पर जितने भी आपको एनएफओ मिलेंगे सिर्फ वही मिलेंगे जो कि अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आते हैं और एक अच्छी स्कीम है और होने के चांसेस है। मैं उन्हीं स्कीम्स का एनएफओ लेकर आता हूं। जैसे कि अभी HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड का लाया था, उससे पहले SBI एनर्जी फंड का लाया था, अब चल रहा है SBI ऑटोमेटिव फंड का चल रहा है, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाकर आप चेक करें एनएफओ का वीडियो, मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप जाके चेक करें वो कैसा एनएफओ होने वाला। तो देखिए आपको जितने भी एनालिस्ट होते हैं, जितने भी पर्सनल फाइनेंस मैनेजर होते हैं, वो मैक्सिमम यही सलाह देते हैं
कि आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करें तो उसका पास्ट रिकॉर्ड जरूर देखें, उसके 3 साल की रिटर्न, एनुअल रिटर्न, उसके एक्सपेंस रेशियो, एक्सचेंज रेट को देखकर उसमें निवेश ना करें। सबसे पहले देखें उसके 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। अब जो NFO है उसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है, वो तो स्कीम ही बिल्कुल नहीं है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख नहीं सकते। हम लोग जो बताते हैं वो अपने आइडिया से बताते हैं, है ना, अपने एक्सपीरियंस से, और इंडेक्स होता है, पास्ट परफॉर्मेंस देख के बता पाते हैं, जो उसके उसके मिलते जुलते दूसरे फंड होते हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं होता। तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी फंड के अंदर निवेश करना होता है जो कि आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई दूसरा फंड अभी मार्केट में नहीं है। जैसे कि अभी एनर्जी फंड आया था, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, आपने नोटिस करा होगा, वो अपनी कैटेगरी का सिंगल फंड है, वो उसके जैसा कोई दूसरा फंड वैसे है नहीं मार्केट के अंदर, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अभी SBI ऑटोमेटिक फंड है, तो आप देखिए ये SBI की तरफ से आता है, दूसरा ये एक ऑटो सेक्टर का फंड है, अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर के बहुत ज्यादा फंड नहीं है, है ना, तो आप इसमें निवेश कर सकते थे। ऊपर से आप नोटिस करेंगे ये फंड थोड़ा सा स्पेशल है, 80% लगा रहा है ये पैसा इक्विटी के अंदर, यहाँ की कंपनियों में, इंडिया की और बाहर की कंपनियों में, 10% लगाएगा डेट फंड्स में, 10% लगाएगा रियल एस्टेट में। तो आप देखेंगे थीम बेस्ड फंड है, अपनी कैटेगरी का एक अलग ही यूनिक फंड है। फंड जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो बहुत अच्छा है, तो लोग विश्वास करते हैं और इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नए नए फंड्स होते हैं, पैसा लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस छोटे हैं, उनके अंदर पैसा लगाना समझदारी नहीं होती, इसलिए उनका रिव्यू भी हम लेकर नहीं आते हैं। तो देखिए NFO के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप उसी के अंदर लगाएं जो अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस से आ रहा हो, अपनी कैटेगरी में सिंगल इकलौता फंड हो, दूसरा जो उसका इंडेक्स है वो पास्ट परफॉर्मेंस दो उसकी बहुत अच्छी हो, है ना, साथ में जो NFO है आपको, जैसे कि हमारी वीडियो देख रहे हैं, दूसरों की आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजर के देख रहे हैं, आप खुद का एनालिसिस देख के अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर पैसा कुछ बन सकता है, तभी आप NFO के अंदर पैसा लगाएं। क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट मिलता है आपको, तो NFO का जो प्राइस होता है वो काफी कम ही होता है, प्राइस भी कम होता है, तो आप NFO में पैसा लगाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट उसके अंदर एक्युमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, ज्यादा यूनिट मिलेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही NFO के अंदर पैसा लगाना है, नहीं तो आपको किसी भी लल्लू पंजू NFO के अंदर पैसा नहीं लगाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। और मैं जितने भी आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ सारे के सारे नंबर वन जो NFO होते हैं उन्हीं के अंदर वही वीडियो लेके आता हूँ मैं, और अगर किसी हल्के फंड की लेके आता मैं तो आपको बता देता हूँ इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका जो कितना भी इस चीज से लेकर जुड़े क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए होंगे, तो आप ऐसी कोई वीडियो देखकर किसी भी NFO के अंदर निवेश नहीं करें, है ना, क्योंकि NFO में पैसा लगाने का मतलब है आप फंस जाते हैं, पता नहीं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो इसलिए अपने पैसे को बहुत समझदारी से लगाएं जिससे कि आपको फायदा हो, ठीक। आज के लिए इतना ही, आज के लिए अलविदा, जय हिंद।